नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग ProtineX। ProtineX के बारे में देखने वाले आज, ProtineX का रिव्यू रहने वाला आज। तो देखने वाले इसमें क्या है, हाई प्रोटीन है कि नहीं, इसमें वे प्रोटीन से बेहतर है या बुरा है, खराब है, अच्छा है, वो भी देखने वाले आज इसमें। और बॉडी बिल्डर ले सकते हो कि नहीं, मतलब जो स्टार्टिंग है आपकी, अगर बॉडी बिल्डिंग में तो आपके पास वे प्रोटीन के लिए पैसे नहीं होंगे तो आप ये ले सकते हो कि नहीं, तो आज ये देखने वाले हैं हम ये वीडियो में। तो आइए देखते हैं पहले लिस्ट। तो दोस्तों, इसमें पर सेविंग 25 ग्राम है। 25 ग्राम मतलब दो चम्मच आते हैं इसमें। दो चम्मच जब आप दूध में डालोगे उसमें आपको 93 एनर्जी मिलेंगी और 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 13.8 मिलेगा और शुगर 8 ग्राम मिलेगा एंड फैट ऑलमोस्ट 0.6, मतलब ना के बराबर है। तो विटामिन ए से लेकर डी, ई, पूरा बायोटिन तक है, तो B12 भी है, सब कुछ विटामिन है इसमें। आयन भी है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब इसमें ये है मिनरल्स। तो ये थी लिस्ट दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपने लिस्ट देखी उसमें आपको फैट मिलेगा जो कि ना के बराबर है, 0.6, मतलब बिल्कुल है ही नहीं। तो और जो शुगर भी है उसमें 8 ग्राम प्रोटीन भी है, 8 ग्राम शुगर भी है, तो वो शायद गलत होगा इसमें। लेकिन आपको प्रोटीन चाहिए होगा तो आप ये ले सकते हो, 8 ग्राम प्रोटीन है इसमें, शुगर भी 8 ग्राम है, तो इसलिए जो शुगर वाले आदमी है या शुगर जिनको है वो नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि जो प्रोडक्ट मैं आपको रिव्यू करता हूँ या बताता हूँ जिस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो मैं पहले खुद पे टेस्ट करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इतने सारे मैंने ProtineX यूज किया है अभी तक, और बहुत सारे थे लेकिन वो डब्बे खराब हो गए, फेंक दिए मैंने। तो सबसे ये मैं कब से ले रहा हूँ, जब 9th में था तब से ये सारे प्रोडक्ट ले रहा हूँ। जब 9th में था तब मैं जिम में जाता था, तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने लिया था ये ProtineX का। तो इसी लेबलिंग देखो आप, थोड़ी अलग है और इसकी लेबलिंग अलग है। इसकी लेबलिंग आज की है, ये तब का है, 9th का मेरे पास अभी तक। तो ये सब प्रोडक्ट है मेरे पास। तो जैसे कि आपने देखा मैं 9th से ProtineX ले रहा हूँ, तो मैंने देखा बहुत मेरा वेट भी बढ़ा तब से, क्योंकि मैं 9th से ले रहा हूँ, अभी 4 साल हो गए उस बात को। तो अभी मेरा वेट 75 kg है, तब मेरा वेट था 55 kg, तो अभी 74 kg हो गया है। तो बहुत अच्छा है और प्रोटीन भी मिलता है इससे, 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। जब आप 2 स्पून दूध में डालोगे तब आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो कैसे, तो क्योंकि दूध में ही 12 ग्राम प्रोटीन रहता है पहले से ही। और इसमें बुरी बात भी है, एक शुगर है इसमें, प्रोटीन जितना है उतना ही शुगर भी है, तो इसलिए ये शायद शुगर वालों लोगों को नहीं चल सकता। दोस्तों, दूध में ऑलरेडी 10 ग्राम शुगर रहते हैं, वैसे लैक्टोस प्रेजेंट रहता है दूध में, 10 ग्राम शुगर उसमें ही रहती है ऑलरेडी, तो इसलिए 8 ग्राम ही है, वो 10 ग्राम वो 18 ग्राम हो गया है। इसलिए आप अगर 2-3 बार दिन में कंज्यूम करते होंगे ProtineX तो आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा 2-3 बार मत लें, सिर्फ दिन में 2 बार भी लिया तो भी चल जाएगा दूध के साथ में, तो इसलिए ProtineX लें, अच्छा है वो। तो दोस्तों, अभी आते हैं वे प्रोटीन से बेहतर है कि नहीं। लेकिन मैं कहूँगा वो बिल्कुल भी दूर दूर तक बेहतर नहीं है, क्योंकि वे प्रोटीन काफ़ी अच्छा है और महंगा भी है। लेकिन इसमें भी प्रोटीन है, आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, दिन भर की थकान पूरी चल जाएगी आपकी। अगर आप रेगुलर भी आप लाइफ ये कर रहे हो, जी रहे हो, तो भी आपको ये ProtineX की मदद गिरेगी, आपकी एनर्जी लो है, आपको एनर्जी बढ़ाने के लिए काम में आएंगे ProtineX। तो इसलिए ProtineX खाओ, एनर्जी भी बढ़ती है। और वे प्रोटीन वर्सेस ProtineX काफ़ी यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे, तो मुझे अच्छे नहीं लगे वो, लेकिन अच्छे थे, लेकिन वो कुछ यही नहीं, डिफरेंस बहुत डिफरेंस है वे प्रोटीन और ProtineX में। इसलिए वे प्रोटीन से कंपैरिजन मत करो आप, ProtineX एक हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं है, लेकिन आपका जो प्रोटीन कंज्यूमेशन है वो आपकी क्योर कर लेगा, सर आपको दे देगा जितने भी चाहिए।
अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे वे प्रोटीन लेने के लिए तो आपको ProtineX लेना चाहिए। ProtineX सप्लीमेंट का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, आपका सपोर्ट ही मेरा प्यार है। चलो थैंक यू।